हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग वेल एंड वी आर ऑल्सो वर्किंग फ्रॉम आवर होम. वेलकम टू सेंट एंजल्स ऑनलाइन क्लासेस. इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अ टॉपिक किंगडम फंगाई इन चैप्टर 3 डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म. इन द प्रीवियस वीडियो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द सेकेंड किंगडम प्रोटिस्टा. इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द थर्ड किंगडम दैट इज फंगाई. ओके स्टूडेंट्स, जल्दी से इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं. तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी होती हैं बच्चों? यानी कि दीज आर यूकैरियोटिक एंड मोस्टली मल्टी सेलुलर फॉर्म्स. यानी कि कैसी होती हैं बेटा ये? दीज आर यूकैरियोटिक. कहने का मतलब ये हुआ कि वो ऑर्गेनिजम्स जो फंगाई किंगडम में क्या होते हैं, आते हैं, वो कैसे होते हैं? वो यूकैरियोटिक होते हैं. और यूकैरियोटिक भी कौन से वाले बेटा? यानी कहने का मतलब यूकैरियोटिक में भी मोस्टली कैसे होते हैं? मल्टी सेलुलर होते हैं. मल्टी सेलुलर, यहाँ पर यूकैरियोटिक का मतलब क्या होता है? यानी वेल डिफाइंड सेल होती है. उसमें आपकी क्या होती है? सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होती हैं. जैसे आपके राइबोसोम हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्जी बॉडी हो गए, तो ये सारी आपकी क्या होती हैं? सेल ऑर्गेनेल्स उसमें प्रेजेंट होती हैं. और क्या होता है बेटा? उसका वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है. बात करते हैं मल्टी सेलुलर क्या होता है. मल्टी सेलुलर का बेटा मतलब ये होता है कि वो मल्टीपल टाइप की सेल से क्या होते हैं? बने होते हैं. लेकिन अब इसमें क्या होता है बेटा? इसका एक एक्सेप्शन है. एक्सेप्शन को क्या कहते हैं बेटा इन हिंदी? दैट इज कॉल्ड अपवाद. अपवाद क्या है? एक्सेप्शन क्या है बेटा? यीस्ट. जो यीस्ट होता है बेटा, ये क्या है? आपका एक्सेप्शन है. और ये कैसा होता है बेटा? यूनिसेलुलर है. ये कैसा है? ये यूनिसेलुलर है. लेकिन क्या है बेटा? ये एक एक्सेप्शन है. किसका? फंगाई किंगडम का. कहने का मतलब ये है कि जो यीस्ट है, ये क्या होता है? फंगाई में आता है. लेकिन होता क्या है बेटा? ये यूनिसेलुलर. नाउ द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज The next characteristic is these organism have cell wall. यानी इनके पास क्या होती है बेटा? cell wall तो होती है, but it contain चिटिन. लेकिन क्या होता है बेटा? चिटिन की रखती है. कहने का मतलब इन ऑर्गेनिज्म के, ये वाले जो ऑर्गेनिज्म्स होते हैं, इनके पास क्या होती है बेटा? सेल वॉल तो होती है, लेकिन होता यह है बेटा कि जो इनकी सेल वॉल होती है उसमें क्या होता है बेटा? चिटिन प्रेजेंट होता है. अब बात करते हैं चिटिन क्या होता है बेटा. चिटिन का मतलब ये होता है, ये कैसा होता है? एक इनसॉल्यूबल. ये कैसा होता है? ये इनसॉल्यूबल होता है एंड कॉम्प्लेक्स पॉलीसेक्राइड. यानी कैसा होता है बेटा? ये इनसॉल्यूबल होता है और कैसा होता है? कॉम्प्लेक्स पॉलीसेक्राइड्स होते हैं. पॉलीसेक्राइड्स कैसे होते हैं बेटा? कहने का मतलब ये वो सेक्राइड्स होते हैं, या पॉलीसेक्राइड्स का मतलब ये होता है जो बहुत सारे सेक्राइड्स से मिलकर बने होते हैं. उन्हें क्या कहते हैं बेटा? पॉलीसेक्राइड्स कहते हैं. और इनका काम क्या होता है बेटा? सेल वॉल को बनाना. तो कहने का मतलब ये होता है जो चिटिन होता है, यानी कि जो स्पेशल टाइप का जो पॉलीसेक्राइड होता है, जब उसे क्या कहते हैं बेटा? चिटिन. और चिटिन का काम क्या होता है बेटा? सेल वॉल को क्या करता है? बनाने का काम करता है. और क्या काम करता है चिटिन? विच फॉर्म द एक्सोस्केलेटन ऑफ इंसेक्ट्स. यानी जो इंसेक्ट्स होते हैं बेटा, उनके एक्सोस्केलेटन को भी बनाने का काम करता है. उनके एक्सोस्केलेटन, जो एक्सोस्केलेटन होता है बेटा, यानी कहने का मतलब जो इंसेक्ट्स होते हैं उनके आउटर वॉल को क्या करता है बेटा? बनाने का काम करता है. आउटर स्केलेटन को बनाने का काम करता है. दो टाइप का स्केलेटन होता है, एक एक्सोस्केलेटन होता है, एक एंडोस्केलेटन होता है. एंडो का स्केलेटन का मतलब होता है अंदर वाला स्केलेटन, और एक्सोस्केलेटन का मतलब होता है आउटर वाला स्केलेटन बनाने का काम करता है हमारा चिटिन. होता क्या है बेटा? ये एक पॉलीसेक्राइड होता है. पॉलीसेक्राइड्स क्या होते हैं बेटा? यानी जो डिफरेंट डिफरेंट सेक्राइड्स जब कंबाइन होते हैं तो क्या बनता है? पॉलीसेक्राइड. और पॉलीसेक्राइड कौन सा है बेटा? हमारे पास चिटिन. और चिटिन क्या करता है बेटा? ये सेल वॉल को बनाने का काम करता है. इसके साथ साथ ये क्या करता है? ये एक्सोस्केलेटन को भी बनाने का काम करता है. किसके? इंसेक्ट्स के. एक्सोस्केलेटन का मतलब होता है जो इंसेक्ट्स के आउटर स्केलेटन को बनाने का काम करता है. एक्सोस्केलेटन मीन्स आउटर स्केलेटन, और एंडोस्केलेटन मीन्स इनर स्केलेटन. नाउ द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज क्लोरोफिल इज एब्सेंट.
क्लोरोफिल, क्लोरोफिल इज एब्सेंट, यानी जो आपके ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें क्या होता है बेटा, क्लोरोफिल एब्सेंट होता है। क्लोरोफिल क्या होता है बेटा, इट इज़ अ ग्रीन पिगमेंट, और ग्रीन पिगमेंट का काम क्या होता है बेटा, और ये क्या करता है, इट ट्रैप सोलर एनर्जी, ये करता है बेटा सोलर एनर्जी को ट्रैप करता है। और ये क्या होता है बेटा, ग्रीन पिगमेंट होता है, सोलर एनर्जी क्यों ट्रैप करता है, वो इसलिए करता है ताकि प्लांट्स क्या करते हैं बेटा, अपना फूड बनाते हैं, क्योंकि प्लांट्स के पास क्या होता है बेटा, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। इसी तरीके से अगर हम बात करें, जो हमारा क्लोरोफिल होता है बेटा, वो क्या होता है, फंगाई में प्रेजेंट नहीं होता, यानी कहने का मतलब जब फंगाई में क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं है तो फंगाई अपना फूड अपने आप नहीं बना पाएंगे, तो क्या होते हैं बेटा, वो हेटरोट्रॉपिक होते हैं। हेटरोट्रॉपिक का मतलब क्या होता है, जब ऑर्गेनिज्म अपना फूड अपने आप नहीं बना पाता, वो क्या करते हैं बेटा, अपना फूड क्या लेते हैं, दूसरे डेड एंड डिकिंग ऑर्गेनिक मैटर से क्या लेते हैं बेटा, अपना फूड लेते हैं। तो कहने का मतलब जो हमारा फंगाई होता है, जो फंगाई होते हैं ये क्या करते हैं बेटा, ये हेटरोट्रॉपिक होते हैं। ऑल फंगाई आर, ऑल फंगाई आर हेटरोट्रॉपिक, ऑल फंगाई आर हेटरोट्रॉपिक, दे ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर, यानी कहने का मतलब ये बेटा, जितने भी फंगाई होते हैं वो कैसे होते हैं बेटा, हेटरोट्रॉपिक होते हैं। हेटरोट्रॉपिक क्या होता है बेटा, हेटरोट्रॉपिक का मतलब ये होता है वो ऑर्गेनिज्म जो अपने फूड के लिए क्या होते हैं, दूसरे पर डिपेंड होते हैं, दीज आर कॉल्ड हेटरोट्रॉपिक, एंड दे ऑब्टेन देयर फूड, और ये क्या करते हैं बेटा, ये अपना फूड किससे गेन करते हैं, दे ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम दी डेड एंड डिकिंग मैटर। डेड एंड डिकिंग मैटर का मतलब ये होता है, जैसे मान लीजिए अगर प्लांट बॉडी की बात करते हैं, प्लांट बॉडी जैसे ड्राई होने लगती है, लीव्स उसकी क्या होती है बेटा, ड्राई होकर क्या होती है, झड़ना स्टार्ट हो जाती हैं, गिरना स्टार्ट हो जाती हैं, तो इसे क्या कहते हैं बेटा, डेड एंड डिकिंग मैटर कहते हैं। इसी तरीके से जो फूड आइटम्स हम खाते हैं ये ख़राब हो जाते हैं, तो इन्हें क्या करते हैं, फेंक देते हैं, तो क्या कर सकते हैं, ये इनसे फूड कंज्यूम कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज, कुछ कैसे होते हैं बेटा, यानी कि सो मोस्ट ऑफ देम आर सेप्रोफाइट्स, कुछ क्या होते हैं बेटा, सेप्रोफाइट्स भी होते हैं, सम फॉर्म्स आर पैरासिटिक, यानी कुछ आपके क्या होते हैं फंगाई, वो पैरासिटिक भी फॉर्म में होते हैं, कुछ आपके क्या होते हैं सेप्रोफाइट्स भी होते हैं। पैरासिटिक क्या होते हैं बेटा, पैरासिटिक का मतलब होता है कि जब ये क्या करते हैं, दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में एंटर हो जाते हैं, एंटर होने के बाद फिर क्या करते हैं, फूड को कंज्यूम करते हैं। और सेप्रोफाइट्स का मतलब क्या होता है, सेप्रोफाइट्स का मतलब होता है जब ऑर्गेनिज्म, जब कहने का मतलब होता है, सेप्रोफाइट्स का मतलब ये रहता है कि वो ऑर्गेनिज्म जो क्या करते हैं, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से करते हैं, फूड को कंज्यूम करते हैं, दीज आर कॉल्ड सेप्रोफाइट्स। सो द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज, सम फंगाई कैन फॉर्म सिम्बायोटिक एसोसिएशन, कुछ फंगाई क्या करते हैं बच्चों, कुछ फंगाई क्या करते हैं, वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन फॉर्म करते हैं। अब ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन क्या होता है बेटा, सिम्बायोटिक एसोसिएशन का सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये होता है कि ये क्या होता है बेटा, इसमें दो डिफरेंट टाइप के स्पीशीज़, यानी कहने का मतलब दो डिफरेंट स्पीशीज़ क्या करते हैं बेटा, एक साथ रहते हैं, यानी कहने का मतलब एक रिलेशनशिप होता है दो पार्टनर के बीच में, जिसमें क्या होते हैं बेटा, दोनों पार्टनर डिफरेंट स्पीशीज़ होते हैं, और दोनों पार्टनर क्या होते हैं, एक साथ रहते हैं फॉर म्यूचुअल बेनिफिट्स, यानी ये अपने म्यूचुअल बेनिफिट्स के लिए क्या रहते हैं, दोनों एक साथ रहते हैं, और दोनों क्या करते हैं, एक साथ काम करते हैं। तो इस टाइप के जो एग्जांपल होता है उसे क्या कहते हैं, या इस टाइप की जो रिलेशनशिप होती है उसे क्या कहते हैं बेटा, सिम्बायोसिस कहते हैं। अब सिम्बायोसिस का एक एग्जांपल है, जैसे अगर बात करें ब्लू ग्रीन एल्गी, जैसे बात करें ब्लू ग्रीन एल्गी की बात करें, ब्लू ग्रीन एल्गी और फंगाई, ब्लू ग्रीन एल्गी और फंगाई दोनों कंबाइन होकर क्या बना देते हैं बेटा, लाइचेन बनाते हैं, यानी कहने का मतलब होता है जो आपके फंगाई होती है ये ब्लू ग्रीन एल्गी, यही से हम कहते हैं बेटा साइनोबैक्टीरिया, जो ब्लू ग्रीन एल्गी है बेटा, ब्लू ग्रीन एल्गी इसको कहते हैं साइनोबैक्टीरिया, और ये दोनों कंबाइन होकर क्या बनाते हैं बेटा, ये लाइचेन बनाते हैं।
और लाइट चेन क्या होते हैं बेटा, ये आपके बार्क ऑफ दी ट्रीज़, यानी ट्रीज़ के बार्क में यानी टहनी में प्रेजेंट हो सकते हैं या फिर रॉक्स में भी प्रेजेंट हो सकते हैं, और ये येलो ब्राउन पैचेस में भी क्या होते हैं बेटा, प्रेजेंट होते हैं। कहने का मतलब ये होता है कि ये ट्रीज़ में प्रेजेंट होते हैं और रॉक्स में भी प्रेजेंट होते हैं। रॉक्स में कैसा होता है बेटा, येलो ब्राउन पैचेस होते हैं। येलो ब्राउन पैचेस का मतलब जब आप कभी रॉक में जाओगे या पहाड़ पे जाओगे तो वहाँ पे क्या होते हैं बेटा, येलो ब्राउन पैचेस बने होते हैं। यानी कहने का मतलब ये होता है जो पहाड़, जो बड़े बड़े पहाड़ होते हैं उनके बीच में क्या होते हैं, उनमें जहाँ पे भी कहीं पर भी जगह मिलती है तो वहाँ पर क्या मिलता है बेटा, लाइचेन देखने को मिलता है। लाइचेन क्या होता है बेटा, जैसे आपके जो पहाड़ पे क्या होते हैं प्रेजेंट होता है, यानी कि माउंटेन एरिया में क्या मिलते हैं, हमें ये मिलते हैं येलो ब्राउन पैचेस। अब बात करते हैं इसमें कि सिम्बायोटिक एसोसिएशन कौन परफॉर्म करता है बेटा, ये फंगाई परफॉर्म करते हैं। फंगाई